हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सिटी यूट्यूब चैनल। और गाइस, कुछ ही दिन में यहाँ पर दिवाली आने वाले, और दिवाली पे सेल ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको धमाकेदार सेल्स देखने को मिलते हैं फ्लिपकार्ट पे। कुछ दिन पहले यहाँ पर आपको बिग बिलियन डे सेल देखने को मिला था, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था यहाँ पर लोगों की तरफ से। फिर उसके बाद में आया था यहाँ पर बिग दिवाली सेल, इससे पहले भी आया था, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पर लोगों ने शॉपिंग करे थे। अब फाइनली जो दिवाली से सबसे नज़दीक वाला सेल है, इसका भी नाम यहाँ पर है फ्लिपकार्ट का बिग दिवाली सेल। यहाँ पर ये 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में रहने वाला है। क्या कुछ आपको बैंक ऑफर देखने को मिलेगा, कौन से स्मार्टफोन पे जबरदस्त डील मिल रही है, कौन से स्मार्टफोन से आपको बच के रहना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं सारी चीज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो उसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप अप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं यार, हर एक स्मार्टफोन के मैंने ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन वगैरह पहले की दो वीडियो में बना के बताया था, थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको जो स्पेसिफिकेशन है एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप में से सभी लोगों को पता है भाई कौन से फीचर कौन से फ़ोन में देखने को मिल रहे हैं। सीधा आपको बोलूंगा भाई कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन से फ़ोन को आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए। चलिए सबसे पहले बैंक ऑफर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको ये बार SBI के क्रेडिट कार्ड एज वेल एज डेबिट कार्ड, जी हाँ, तो डेबिट कार्ड वाले खुश हो जाओ, यहाँ पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जरूर से यहाँ पर यह मौके का फायदा उठाओ। और SBI के डेबिट कार्ड पे भी अगर आपने मौके का फायदा नहीं उठाए, तो भैया आइंदा से आप यहाँ पर सेल को भूल ही जाओ, मजाक करो, वैसे फायदा उठा लेना। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें स्मार्टफोन की, तो यह आता है Realme XT, जबरदस्त स्मार्टफोन है। यहाँ पर ऑफर की बात करें तो ऑफर तो कुछ भी नहीं है, जो बेस ब्रांड है वही आपको 16,000 रुपये में देखने को मिल रहा है। लेकिन यार कार्ड ऑफर वगैरह लगाओगे 14,400 रुपये में, वन ऑफ द बेस्ट डील आप इसे बोल सकते हो। एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 712 है, और आपका वुक चार्जिंग का सपोर्ट है, क्वाड कैमरा है 64 मेगापिक्सल। ऑल इन ऑल XT 14,400 रुपये में जबरदस्त डील है, डेफिनेटली ये फ़ोन का आप परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा Redmi Note 7 Pro, ये आपको 11,000 रुपये में सेल में देखने को मिल रहा है, और ऑफर वगैरह लगा के कुछ 10,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो क्या ये फोन आज की डेट में लेना चाहिए? यस, ले सकते हैं, लेकिन हर एक को रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी नोट 8 भी आपको 10,000 में मिल रहा है। तो अगर आपको क्वाड कैमरे वगैरह का सेटअप चाहिए, तो डेफिनेटली आप नोट 8 को परचेज कर लेना। लेकिन अगर आपको जो सोनी का जो IMX586 वाला फ्लैगशिप सेंसर 10,000 की रेंज में चाहिए, तब आप नोट 8 प्रो को देख सकते हो, 10,000 में बिल्कुल भी बुरी डील नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर चार स्मार्टफोन, Redmi Note 7S, Realme C2, Oppo F11 Pro और Realme 5। Redmi Note 7S कल तक के मैं आपको सबसे बेस्ट डील बोल रहा था 10,000 की रेंज में, लेकिन अब यहाँ पर Note 8 आ चुका है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि Note 7S को परचेस करो, क्योंकि ऑलरेडी आपको Note 8 जो है ऑलरेडी वो आपका Amazon पे 10,000 रुपये में देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी ऑफर की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो वो और कम में मिल जाएगा। तो आज की डेट में Note 7S को स्किप कर दो, Note 8 की तरफ आप जा सकते हो। नेक्स्ट है Realme C2, 6,000 रुपये में मिल रहा है यार आपको, 32 GB प्लस 2 GB रैम वाला वेरियंट, आज की डेट में रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो है Redmi 8 जैसे स्मार्टफोन जो 8,000 ऑफर वगैरह में इतना कम में आपको 64 GB प्रोवाइड करा रहे, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, या आप इन्फिनिक्स का हॉट 8 भी देख सकते हो, वो भी 7,000 रुपये में वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, इससे मच बेटर है, तो Realme C2 को स्किप कर दो। नेक्स्ट है Oppo F11 Pro, 16,000 रुपये में, ऑफर वगैरह मिला के 14-15 तक के मिलेगा, बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ यार। MediaTek का प्रोसेसर दिया हुआ है और इतना कुछ खास नहीं है, IPS डिस्प्ले यार इतने पैसे डाल के बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, इसको भी स्किप कर दो। Realme 5 9,000 रुपये में 3/32 है, 4/64 आपको 10,000 में मिल रहा है, लेकिन 10,000 का अगर आपका बजट है, Redmi Note 8 से बेटर डिवाइस आज की डेट में नहीं मिलेगा, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ, तो Realme 5 को भी आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा चार स्मार्टफोन है, Vivo Z1 Pro, Vivo Z1 X, Oppo F11 और Realme 5 Pro। Vivo Z1 Pro 13,000 रुपये में बेस वेरिएंट, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, ऑफर वगैरह लगाओगे लगभग 11,700 रुपये में, बहुत ही अच्छा है। पंच होल के अगर आप फैन, बड़ी बैटरी चाहिए, अच्छा सेल्फी कैमरा चाहिए, डिसेंट बैक कैमरा चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो डेफिनेटली Z1 Pro कोई बुरी डील नहीं है, 11,700 रुपये में वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट है Vivo Z1 X, यहाँ पर अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हो ना SBI के, तो 2,000 तो ऐसे ही कार्ड का डिस्काउंट हो जाएगा, उसके ऊपर 10% आपको देखने को मिलेगा। देखो सीरियसली, इसका तो मैं प्रूफ बता सकता हूँ, मेरे हाथ में आप देख सकते हो Z1 X ही है, ये मैंने 128 GB वाला बिग बिलियन डे में अपने खुद के लिए पर्सनली यहाँ पर नए फ़ोन के हिसाब से परचेज करा था। 15,100 रुपये में मुझे 19,000 वाला फ़ोन मिला है, तो 4,000 रुपये का लगभग 3,900 का मुझे बम्पर यहाँ पर ऑफर मिला था। अभी भी ये ऑफर सेम टू सेम आपको यहाँ पर देखने को
मिलेगा, तो जरूर से यहाँ पर ये फोन को परचेज कर सकते हो। एमोलेड डिस्प्ले है, बैटरी लाइफ कमाल की है, और फास्ट चार्जिंग 22.5 वॉट की है, सेल्फी कैमरा जबरदस्त, रियर कैमरा भी जबरदस्त। ऑल इन ऑल मेरा दिल जीत लिया है भाई ये फोन ने। Z1X 19,000 वाला 15,000 में मुझे यहाँ पर 128GB प्लस 6GB रैम वाला वेरियंट मिला था, तो मैंने परचेस कर लिया। जबरदस्त आउटपुट है यार, परचेस कर सकते हो। और जो 664 वाला वेरिएंट है, अगर वो भी आप पूरे ऑफर्स वगैरह मिला के नेट अगर आप देखते हो तो लगभग 13,300 के आसपास मिलता है, और वो प्राइस पॉइंट पे भाई अनबीटेबल है। ओवरऑल एक ऑलराउंडर फोन के हिसाब से अच्छा है, सिर्फ एसडी कार्ड नहीं लगा सकते हो तो स्टोरेज ज्यादा लगता है मेरी तरह, तो 128GB वाला परचेस कर लो, 15,200 रुपए के आसपास है, जबरदस्त डील है, डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट है ओप्पो F11 13,000 में, भाई बात ही नहीं करते, बिल्कुल भी मत लेना गलती से भी। Realme 5 Pro आपको जो है 13,000 रुपए में मिल रहा है, मतलब ऑफर वगैरह लगा के, और आप 10% लगाओगे तो और आपको 1300 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, तो कितना हो जाता है लगभग 11,700 रुपए में। Realme 5 Pro भी एक अच्छी डील है, वुक चार्जिंग का सपोर्ट है, स्नैपड्रैगन 712 है, क्वाड कैमरा है, IMX586 का सेंसर वगैरह है, और ओवरऑल डिजाइन वगैरह भी अच्छा है, तो Realme 5 Pro भी आज की डेट में 11,700 रुपए में आप परचेस कर सकते हो, एक अच्छी डील है। नेक्स्ट यहाँ पर सैमसंग S9 और S9 प्लस वगैरह, भैया अगर सैमसंग के फैन हो, पुराने फ्लैगशिप आप यूज़ कर सकते हो तो देख सकते हो, अदरवाइज ये भी स्किप कर दो, आईफोन 7 को स्किप कर दो, आईफोन 7 प्लस को भी स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है यार पुराना स्मार्टफोन यहाँ पर यूज़ करने की। Redmi 8 आपको 8,000 रुपये में मिल रहा है, ऑफर वगैरह लगाओगे 7,200 रुपये में, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। अनलेस एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा, अगर आप गेमर हो या पबजी बहुत ज़्यादा खेलते हो तो आप ये सोच रहे हो तो ये मत लेना, इतना स्मूथ नहीं चलता है। लेकिन आप नॉर्मल से यूज़र हो और आपको एक अच्छा स्टोरेज, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए और सारी चीज़ें चाहिए, तब आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप गेमर हो तो इसको भी स्किप कर देना, अदरवाइज नॉर्मल यूज़र हो, नॉर्मल गेमिंग करते हो तो Redmi 8 को देख सकते हो 7,200 रुपये में, 464 ज़बरदस्त डील है। नेक्स्ट है Redmi 8A 6,500 में मिल रहा है। देखो जो भी लोग यहाँ पर Redmi 8A परचेस करने की सोच रहे हो तो मैं बोलूँगा भाई स्किप कर दो, उसके बदले में Redmi 8 को परचेस कर लेना, भले ही आपका 1,000-1,500 ज़्यादा जा रहा है लेकिन वहाँ पर आपको स्टोरेज मिल रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, बैक में डुअल कैमरे का सेटअप मिल रहा है, तो 8A को स्किप कर दो, उसके जगह में आप 8 को परचेस कर सकते हो। इन्फिनिक्स S5 जो है 9,000-10,000 रुपये में यहाँ पर, ये 9,000 रुपये में इन्फिनिक्स S5 मिल रहा है पंच होल के साथ में, लेकिन ये इतना कुछ खास डिवाइस नहीं है, सिर्फ पंच होल, मतलब प्रायोरिटीज आपकी है तो देख सकते हो, अदरवाइज 9-10,000 का बजट है तो नो डेट के अलावा कोई भी स्मार्टफोन को मत देखना। सो गाइस नेक्स्ट डील की बात करें तो यहाँ पर ये आता है इन्फिनिक्स हॉट 8 7,000 रुपये में, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, उसका ऑफर वगैरह लगाओगे 6,300 रुपये में, और बेटर डिवाइस है यार, 464 है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अच्छी परफॉर्मेंस है, 5,000 mAh की बैटरी वगैरह है, वाटर ड्रॉप नॉच है, 6.5 इंच का डिस्प्ले, पर्सनली ये मेरे घर में मैंने परचेज कराओ, मेरी मम्मी यूज़ करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त डील है, डेफिनेटली आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, 6,300 रुपये में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, डेफिनेटली जाके परचेज करो। नेक्स्ट यहाँ पर रेड मैजिक 3S पर गेमिंग फोन चाहिए 36,000 में ये मिल रहा है, मैं आपको बोलूँगा 2,000 बढ़ा के ROG 2 ले लेना, इसको स्किप कर दो। नेक्स्ट यहाँ पर Realme X, वैसे तो यहाँ पर इसमें आपको कुछ ऑफर नहीं मिल रहा है, मतलब हाँ प्रीपेड, मतलब आप डायरेक्टली कार्ड से पेमेंट कर दो तो 1,000 आपका ऑफ हो जाएगा, तो 16,000 रुपये में ये देखने को मिलेगा, और आप अगर कार्ड वगैरह से पेमेंट ही कर रहे हो तो आपको 14,500 के आसपास मिल जाएगा। तो अगर आपको बेजल लेस डिस्प्ले चाहिए, पॉपअप सेल्फी कैमरा चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, डिसेंट परफॉर्मेंस, डिसेंट कैमरा चाहिए, तो ये भी डिवाइस आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको बेजल लेस का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा इसकी जगह में XT परचेज कर लेना, वो मुझे इससे मच बेटर डिवाइस लगता है। लेकिन अगर आपको प्रायोरिटीज है कि भाई बेजल लेस डिस्प्ले ही चाहिए और ये प्राइस पॉइंट पे चाहिए तो भाई इससे बेटर डिवाइस आपको देखने को नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है सैमसंग A50, स्किप कर देना भाई, पुराना हो चुका है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं लेने की। इससे अच्छा अगर आपको सैमसंग का ही फोन चाहिए एमोलेड डिस्प्ले के साथ में तो भाई M30S के साथ में जा रहा है, इससे मच बेटर डिवाइस है और बैटरी वगैरह भी बड़ी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है नोकिया 6.1 प्लस 9,000 में, भाई आज की डेट में परचेज मत करना, पुराना हो चुका है, इतना कुछ खास डिवाइस नहीं है और 9,000 में भी रेकमेंड नहीं करूंगा, 9,000 इसमें डालने से अच्छा 10,000 में नोट 8 परचेज कर लेना। ऑनर 10 लाइट 8,000 रुपये में अच्छी डील है, ऑफर मिला के 7,200 में, तो भाई अनलेस अगर आपको सेल्फी कैमरा अच्छा चाहिए और आपको 4GB की रैम, 64GB स्टोरेज वगैरह जो मिल रही है वो चाहिए, तब आप देख सकते हो, अदरवाइज ये भी इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है। एंड्रॉयड वर्जन का मुझे नहीं लगता इसमें आपको अपडेट्स वगैरह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है K20 और K20 Pro, दोनों छोटा भाई बड़ा भाई
दोनों ही वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। देखो अगर आप 730 वाला प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन ले ले तो 20,000 ऑफर मिलाओगे, 18,500-18,000 के आसपास मिलेगा, ले सकते हो। अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छा डिस्प्ले है, अच्छा कैमरा है, अच्छी बैटरी है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। ऑल इन ऑल K20 और K20 प्रो में भी स्नैपड्रैगन 855 मिला, 25,000 ऑफर में 23,000 वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। अपने बजट के हिसाब से दोनों में से जो भी स्मार्टफोन लोगे भाई आप निराश नहीं होगे, एक बार यूज़ करके देखो, देन उसके बाद में आपको पता लगेगा कितने ज़बरदस्त डिवाइस है K20 एज वेल एज K20 प्रो, आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 स्मार्टफोन है, Redmi 7 है, 5,800 रुपये में आपको देखने को मिल रहा है, 32 GB वाला वेरियंट, तो ये वाला को स्किप कर दो, इतना हाईली रिकमेंड नहीं करता हूँ। Realme 3i 8,000 रुपये में कोई ऑफर नहीं मिल रहा और 8,000 में सेंस नहीं बनता है, इससे अच्छा आप कोई और मतलब 1,000 बढ़ा के आप अच्छे खासे डिवाइस परचेज कर सकते हो। iPhone 8 को भाई स्किप कर दो, US को भी स्किप कर दो, Moto E6S को तो देखना ही मत। नेक्स्ट है यहाँ पर Motorola One Macro 10,000 रुपये में, अच्छा फ़ोन है लेकिन इतना भी खास नहीं है, ठीक ठाक फ़ोन है, मैक्रो लेंस दे दिए कोई मतलब इतना भी कोई काम की चीज़ नहीं है, तो ये भी स्किप ही कर दो 10,000 रुपये में। नोट 8 अगेन बोलूँगा बेटर डिवाइस है, सैमसंग A70S 29,000 में, भाई क्या सोच के रख दिए यहाँ पर ये फ़ोन का प्राइसिंग, बड़ा डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले उसके अलावा कुछ भी नहीं है, इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो भाई आप वन प्लस की डिवाइस या रेडमी K20 प्रो वगैरह क्यों नहीं परचेस करोगे ये बताना नीचे कमेंट्स में। और इतना ही बजट है तो भाई रियलमी X2 प्रो का वेट कर लो, इससे मच मच फार बेटर डिवाइस रहेगा और फ्लैगशिप चिपसेट के साथ में देखने को मिलेगा, तो उसको भी स्किप कर दो। नोकिया 7.2 16,500 रुपये में भाई छोड़ दो, वीवो S1 17,000 रुपये में छोड़ दो भाई, इससे अच्छा Z1X परचेस कर लेना। नेक्स्ट है लेनोवो K10 प्लस 11,000 में स्किप, सैमसंग A50s 21,000 में स्किप, क्योंकि M30s ले लो भाई, इससे मच बेटर डिवाइस है मतलब प्राइस पॉइंट को देखते हुए। सैमसंग A20s 14,000 रुपये में स्किप कर दो, जियोनी जाने दो भाई, कंपनी का नाम निशान नहीं है। Pixel 3 है, Pixel 3 XL अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज मैं स्किप करने को बोलूंगा। ऑनर 20 को भी स्किप कर दो, अभी कोई फायदा नहीं इतना पैसा इसमें डालने के लिए। असूस 6Z अगर आप अनलेस अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो, मतलब आपको जो रेयर कैमरे की क्वालिटी फ्रंट में चाहिए और स्टेबलाइजेशन और सारे फीचर्स फ्रंट फेसिंग कैमरे में भी चाहिए, तब आप देख सकते हो, वरना ये भी ठीक ठाक डिवाइस है। नेक्स्ट यहाँ पर ओप्पो Reno 10X जूम 44,000 रुपये में, लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज ये भी ठीक ठाक फ़ोन है मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से। ओप्पो Reno 2Z को स्किप कर दो, 30,000 में बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। Plexar 2 को स्किप कर दो, ROG 2 फ़ोन ले लेना। Red Magic 3 को भी स्किप कर दो। नेक्स्ट यहाँ पर ओप्पो A3S स्किप कर दो, Infinix S4 स्किप कर दो, पोको F1 आपको जो है 6128 16,000 है ऑफर में, 14,500 रुपये में मिल जाएगा। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, 14,400 में इससे बेटर परफॉर्मेंस डिवाइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक तो आपका एयर फेस अनलॉक का फीचर है, मेरा पर्सनली मैंने एक साल ये फ़ोन को इस्तेमाल करो, इनफैक्ट घर ही में फ़ोन है, और साथ में परफॉर्मेंस तो भाई आउटस्टैंडिंग है। पबजी HDR में खेलो, स्मूथ एक्सट्रीम में खेलो, ज़बरदस्त डील है, और कैमरा भी Gcam वगैरह लगा के भाई आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिल जाते हैं, बैटरी लाइफ अच्छी है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। पोको F1 6128 वाला वेरियंट 14,400 रुपये में, भाई और क्या चाहिए, अनलेस दो चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि बिल्ड क्वालिटी फ़ोन की एवरेज है, नॉच थोड़ी बड़ी सी है, तो वो अगर आप उसके साथ में रह सकते हो तो पोको F1 भी आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है HTC Wildfire X 9,000 रुपये में स्किप कर दो, Realme 2 Pro 9,000 में स्किप कर दो, नेक्स्ट है Honor 20i 12,000 में स्किप कर दो, Motorola One Action 12,000 में, पंच होल Motorola Android 1 वगैरह चाहिए तो देख सकते हो, अदरवाइज ये भी ठीक ठाक है, एकदम से आप बोल नहीं बोल सकते हो क्या वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। ओप्पो K1 10,000 रुपये में मिल रहा है और ऑफर वगैरह लगाओगे 9,000 रुपये में, आपको AMOLED इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर विद 25 MP की सेल्फी कैमरा है, चेकआउट कर सकते हो। अच्छा फ़ोन है 9,000 रुपये में, डेफिनेटली आप ले सकते हो अगर AMOLED और इन डिस्प्ले का अगर आप शौकीन हो तो, सबसे सस्ता फ़ोन है। साथ में Motorola One Action जो है वो आपका 15,000 में, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है। Redmi Go स्किप कर दो, गलती से मत लेना, इतना हैंग होगा ना कि आप सोचोगे भाई ये फ़ोन ही क्यों लिया। नेक्स्ट है Lenovo A6 Note 7,000 रुपये में स्किप, Oppo A5 10,000 में स्किप, Lenovo K10 Note 12,000 में स्किप कर दो, Vivo V15 Pro 22,000 में स्किप कर दो, 1,000 मिला के ऑफर में 23,000 में K20 Pro परचेस कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट दो स्मार्टफोन है, Redmi Note 5 Pro 10,500 में स्किप कर दो, बहुत पुराना, इनफैक्ट अभी 2 साल हो जाएंगे फरवरी में। साथ में Honor 8C जो है उसको भी
कर दो, कोई खास डिवाइस नहीं है। तो ये सारी डील्स थी जो कि आपको फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल में अभी रिसेंटली देखने को मिलेगी। मोस्टली अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर फ़ोन को मैंने स्किप करने को बोला हूँ, क्योंकि ब्रांड जो है अपने जो पुराने या ठीक ठाक फ़ोन जो बिक रहे नहीं है उसको भाई खाली करने की सोच रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी डिवाइस है रियलमी शाओमी और अदर ब्रांड्स के भी कि हाँ ये फ़ोन को आपको देखना चाहिए, सेल में 10% का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर मैं मेरी फेवरेट डील की बात करूँ तो अगेन बोलूँगा वीवो Z1X 19,000 वाला 15,000 में सबसे फेवरेट डील है भाई, 4,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट है। तो ये अगर आपका इतना कुछ बजट है तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ SD कार्ड नहीं लगता है वो चेकआउट कर लेना, अदरवाइज बेस्ट स्मार्टफोन है जो डील्स अगर आप देख रहे हो उसके हिसाब से। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप बिग दिवाली सेल में यहाँ पर शॉपिंग करने वाले हो, और अगर लोगे तो भाई कौन सा स्मार्टफोन लोगे, और आपकी फेवरेट डील यहाँ पर ये मतलब ये सारे स्मार्टफोन में से कौन सी थी वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। से होप के मैं तो सबको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।